ब्रेकफास्ट शो एक नई सुबह के साथ और बहुत सारी मजे मजे की अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। बिकॉज जब सर्दियाँ आई थी कराची वालों को लगा था कि वाह ऐसी सर्दी आई है कि लगता है अब ये अपने टाइम से जाएगी, आराम आराम से जाएगी। फिर एक दो दिन पहले हमें पता चला कि ओ गर्मियाँ आ गई हैं। तो वेल जनाब, गर्मियों को जो है वो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन जब हम गर्मियों की बात करते हैं ना तो बहुत सारे स्टमक के ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं जो कि अमूमन गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन चीज़ों की हमें आदत नहीं होती। सर्दियों में अमूमन ऐसा होता है कि हम जो सालन या कोई ऐसी चीज़ होते हैं तो वो बाहर रख देते हैं, फिर हमें ख्याल आता है कि ओ नहीं गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं और अभी फ्रिज में रखनी पड़ेंगी। अगर हम स्टमक के मसले मसाइल की बात करें जो हम आज काम की बात में करेंगे, तो एक हर्बलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं इनडाइजेशन की, यानी कि बदहजमी जब हमें होती है, जब आपका हाजमा वैसे काम नहीं कर रहा होता जैसे करना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, उसकी वजह से जो है वो एसिडिटी जिसको हम तेजाबियत कहते हैं वो होती है, उसकी वजह से जो है वो मेटाबॉलिज्म अगर आपका कभी स्लो रहता है तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन तमाम इशूज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे मसले से गुजरते हैं जिसका ताल्लुक पेट से है, तो आज हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद होंगे, बहुत फेमस हैं, आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं। वो हमारे साथ कुछ रेमेडीज शेयर करेंगे, कुछ ऐसे टोटके शेयर करेंगे जिनका कोई नुकसान नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरों में पाई जाती हैं, या फिर हमें वो जड़ी बूटी किसी ख़ास दुकान पे मिल सकती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, पाकिस्तान में मिलनी आसान है, तो हम उन्हीं तमाम जड़ी बूटियों से या जो हमारे घरों पे चीज़ें होती हैं उनसे स्टमक के जितने भी मसले मसाइल हैं उनका इलाज आपको बताएंगे। तो हमारे साथ ही रहिएगा। और इसके साथ साथ क्या होने वाला है, थर्सडे मेरी छुट्टी होती है कुकिंग की, हम इनवाइट करते हैं एक गेस्ट शेफ को, और आज जो गेस्ट शेफ आ रहे हैं वो बेसिकली हैं ज़ातर के एक्स एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है, मलेशिया में भी काम किया है। उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सही से बताऊंगी जब हम खाने में क्या है का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। और आज वो क्या बना रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपने देखा है जापनीज़ केक, अगर आप जापनीज़ केक देखें या जापनीज़ पैनकेक देखें तो वो एक ख़ास किस्म का केक होता है जो कि बड़ा जिगली जिगली सा होता है, मतलब वो काफ़ी फ्लफ़ी सा होता है, वो काफ़ी मुख्तलिफ सा होता है। आजकल तो रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में मिलना भी शुरू हो गया है, तो हमने सोचा कि इनसे जो है ना वो जापनीज़ पैनकेक बनवाना चाहिए जो फ्लफ़ी वाला होता है, जो एक्चुअल एपिक जापनीज़ पैनकेक होता है। सो आज मैं भी सीखूँगी और आप भी सीखेंगे, और इसके साथ साथ आज का जीते तो हम आपके साथ खेलेंगे ही, लेकिन टाइम है आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करने का। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, अपनी उम्र का भी जो है वो बगैर सोचे समझे जो है वो पढ़ाई करें। अगर वो कभी ये सोचें कि मेरी उम्र निकल गई है अब पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, तो ये एक बड़ी डीमोटिवेटिंग चीज़ है और आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि असद शफीक आफ्टर मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, अब असद शफीक भी जो हैं वो उनके ही कदमों पे चल रहे हैं। और ज़बरदस्त बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन ले चुके हैं इन हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, और KU की तरफ से एक चीज़ इशू की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि वो BS थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे एंड इवनिंग शिफ्ट में लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से और स्पोर्ट्स में आने की वजह से इनको अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, बट वेल ही थिंक्स कि अब बेहतरीन टाइम है कि वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ना सिर्फ मुझे ऐसा लगता है बल्कि असद शफीक ने भी ये कहा है कि मैं ये रेकमेंड करूंगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बाकी तमाम जितने भी क्रिकेटर्स हैं फॉर एनी रीजन अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाए थे तो नाउ इज द टाइम, अब पढ़ाई कंप्लीट की जा सकती है। इस मामले में जो है ना वो देर आए दुरुस्त आए। सो वेल, ये थी हमारी पहली न्यूज, और हमारी जो सेकेंड न्यूज है वो है ऑफिशियल PSL 8 एंथम के बारे में। शाय गिल
कौन नहीं पसंद करता उनको, आसिम अजहर हैं, फारिश शफ़ी हैं, ये तीनों गाएंगे, ये तीनों जो है वो परफॉर्म करेंगे PSL 8 के एंथम को। और अब्दुल्ला सिद्दीकी, अगर आपको याद हो उन्होंने पिछली बार भी जो है वो कंपोज किया था, तो अब्दुल्ला सिद्दीकी ही इसको कंपोज करेंगे। बिकॉज नजम सेठी का कहना यह है कि इसमें कोई जो है वो कंट्रोवर्सीज ना हो जाए या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, इस वजह से जो है वो अली सेठी इस बार इसको नहीं बना रहे, जैसे कि पिछली बार भी जो है वो इसको कंपोज किया था म्यूजिशियन, यंग म्यूजिशियन ने अब्दुल्ला सिद्दीकी, जो कि पसूरी के भी जो है वो यू नो मास्टर माइंड है। तो हम देखेंगे यहाँ पे। और बड़े एक फनी सा कॉमेंट आया था इस न्यूज़ के नीचे, क्योंकि जो फारिश शफ़ी हैं वो रैपिंग करते हैं, तो बीच में वो अपना रैपिंग का ज़रा सा एक तड़का लगाएंगे, तो किसी ने कमेंट्स में नीचे लिखा हुआ था कि ओ मतलब इस वाले PSL के एंथम को हम याद नहीं कर सकते क्योंकि रैपिंग इतनी तेज़ तेज़ होती है, उसको याद करना मुश्किल है, बट डू गिव इट अ ट्राई। तीसरी हमारी न्यूज़ ये है कि कहते हैं एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिश्ता इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत होता है, और अगर टीचर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करे, यानी क्लास में आके पढ़ाई तो कर बिल्कुल करवाए, लेकिन कभी कोई पीरियड में वो बोले कि आज हम किताबें नहीं खोलेंगे, इंटरेक्शन पे तवज्जो दे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाए, कुछ क्रिएटिव करे, कुछ अनोखा करे स्टूडेंट के साथ, तो उससे उनका रिलेशनशिप बिल्ट होता है। एक ऐसे ही टीचर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिन्होंने अपनी 50th बर्थडे को सेलिब्रेट इस तरह से किया कि उन्होंने 700 जो आइसक्रीम्स हैं वो मंगवाई, और 700 आइसक्रीम्स को जो है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक आइसक्रीम पार्टी हुई, और उस आइसक्रीम पार्टी में जो है वो बेसिकली एक ही इंटेंडेड कि एक ट्रक हो, और बजाय इसके कि मैं रैंडम एक पार्टी करूँ, क्यों ना मैं 700 आइसक्रीम्स मंगवाऊँ और सब स्टूडेंट्स की पार्टी कराऊँ। हाउ कूल इज़ दैट? मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई क्रिएटिव तरीके से जो है ना वो अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ कुछ भी सेलिब्रेट करे। वेल जनाब, ये थी आज की न्यूज़, और अब टाइम हुआ है ब्रेक पर जाने का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नॉर्मल पैनकेक्स नहीं बनाएंगे, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे वो बनाएंगे जैपनीज स्टाइल पैनकेक्स, फ्लफी होंगे, बिल्कुल कमर्शियल लेवल के होंगे। हमारे साथ जो शेफ़ मौजूद होंगे वो सिर्फ टीवी पे नहीं आते, वो एक्चुअल प्रोफेशनल शेफ़ हैं जो कि सालों से रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे। उनसे बातचीत भी करेंगे, आपके भी सवालात जो है वो हम ज़रूर शामिल करेंगे शो में। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।